व्हाट्सएप पर जब भी आप किसी पर्सन को कोई इमेज सेंड करते हैं तो आपने देखा होगा कि इमेज को जब आप सेंड करते हैं और जो सामने वाला पर्सन है जब उसे वो रिसीव होती है तो दोनों की जो क्वालिटी होती है उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। वो जो फोटो होती है उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि वो जो फोटो है वो थोड़ा आपको ब्लर दिखती है या फिर जब आप उसे जूम करते हैं तो वो थोड़ा जो है फेड होने लगती है। अब जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप करते क्या है कि फोटो को आप जो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप सेंड करते हैं, लेकिन अभी जो है व्हाट्सएप ने अपना एक फीचर लॉन्च किया है जिसमें कि आप फोटो को ही आप जो डायरेक्ट आप जो है HD में सेंड कर सकते हैं, यानी कि जो क्वालिटी है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। जैसे आपने सेंड की है उसी क्वालिटी में आपको जो है दूसरे वाले पर्सन के पास आपको देखने को मिलेगी। और जब आप इस ऑप्शन के थ्रू आप किसी भी इमेज को आप सेंड करते हैं तो इसका जो MB साइज है और सामने वाले पर्सन को जब वो रिसीव होगी तो उसका जो MB साइज है आप दोनों को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आपको वही देखने को मिलेगा। लेकिन पहले होता क्या है, जब भी आप जब फोटो को आप सेंड करते थे तो वहां पर जो है MB का जो साइज है वो भी डिक्रीज हो जाता था, फोटो की जो क्वालिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती थी। उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपको फोटो सेंड करना होता था, लेकिन व्हाट्सएप का ये फीचर है कि सबसे बेस्ट फीचर है आपको अपनी जो फोटो है अगर आपको उसे व्हाट्सएप के थ्रू आप किसी को सेंड करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जो फीचर है वो देखने को ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप उसे ऐड कर सकते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको HD में फोटो को सेंड करना है व्हाट्सएप पे तो आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले फोटो को आपको यहाँ पर ऐड करना है, यानी कि जैसे कि आप फोटो को अपलोड करने जाते हैं तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा HD का, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको HD पे आपको टिक करना है और इसके बाद आपको सेंड कर देना है। तो जैसे आप सेंड करेंगे तो आपकी जो फोटो है सामने वाले पर्सन को उसी क्वालिटी में देखने को मिले। होता क्या था, जब भी आप किसी फोटो को सेंड करते थे व्हाट्सएप के थ्रू तो वहां पर जो है व्हाट्सएप उसे जल्दी सेंड करने के चक्कर में उसकी जो क्वालिटी है या फिर उसका जो MB साइज है उसे वो थोड़ा कंप्रेस कर देता था ताकि वो जल्दी सेंड हो जाए। तो उससे होता क्या था कि आपकी जो फोटो है वो उस तरीके से देखने को नहीं मिलती थी जैसे आपने सेंड की है। आपको बता दूं कि आप इसे आप कैसे ऐड कर सकते हैं इस ऑप्शन को, तो सबसे पहले अपने जो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है उसे आपको अपडेट कर लेना है। आपको जो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है या फिर आपको ऐप स्टोर पे जाना है और अपनी जो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है उसे आपको अपडेट कर लेना है, तो ये जो ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे ही जाना है या फिर आप जो ऐप स्टोर पे जाके इसका जो बीटा प्रोग्राम है उसे आपको ज्वाइन करना होता है। सबसे पहले व्हाट्सएप को सर्च करना है, आपको जो है व्हाट्सएप पे क्लिक करना है और आपको थोड़ा स्क्रोल डाउन करना है तो यहाँ पर आपको बीटा प्रोग्राम मिल जाएगा, आपको उसे ज्वाइन कर लेना है। हो सकता है कि ये फुल हो तो आप जो कुछ टाइम बाद उसे दोबारा से आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको टाइम टाइम पर अपना जो एप्लीकेशन है वो आपको अपडेट करना होगा, तो आपको ये जो फीचर है आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को अभी देखने को नहीं मिला है, व्हाट्सएप जो धीरे धीरे सभी यूजर को इसे प्रोवाइड कर रहा है तो आपको भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको व्हाट्सएप पर आपको HD फोटो सेंड करने का जो फीचर है अगर आपको नहीं देखने को मिल रहा है तो आपको सिर्फ दो काम करना है, अपनी जो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है उसे आपको सबसे पहले तो अपडेट करना है, अगर आपको नहीं मिला है दोबारा से भी तो आपको जब जब इसका अपडेट आता है तो आपको अपडेट कर लेना है। दूसरा जो काम है, आपको जो व्हाट्सएप का बीटा प्रोग्राम है जो आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलता है या फिर आपको जो है ऐप स्टोर पर भी देखने को मिल जाएगा तो वहां पर आपको सबसे पहले उसे ज्वाइन करना है, तो आपको ये जो फीचर है बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप व्हाट्सएप पर जो आपको HD फोटोज को सेंड करने का जो फीचर है जो आपको शो नहीं हो रहा है उसे आप ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।